आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के निकली भर्ती के बारे में। इसमें फ्रेंड जो भर्ती निकली है वो आपकी डेप्यूटी आपका सेक्शन ऑफिसर की भर्ती है। इसके हम ऑफिसर नोटिफिकेशन पर चलेंगे, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपकी हाई नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको देखिए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का आपको वैकेंसी देखने मिल जाएगी। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने मिल जाएगा, ठीक है। इस एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आपका डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर आपका एस्टेब्लिशमेंट हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 16 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। टेंटेटिव आपकी एलिमिनेशन टेस्ट रहेगा 10-10-2021, मेन रिटन एग्जामिनेशन December 2021 को आपका होगा। यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट आपका आवेदन कर सकता है, आपको बुलाता है ऑनलाइन आवेदन के लिए, जिसमें 63 वैकेंसी है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, जिसका पे मैट्रिक 39,000 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाई कोर्ट गुजरात के द्वारा निकाली गई। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है 63 पोस्ट के वुमेन के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट आपका सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/8/2021 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रॉम रिकुना यूनिवर्सिटी, 10th ईयर स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, एज आपका पास होना चाहिए, इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे आपका 18 से 35 से कम नहीं होना चाहिए, 6/8/2021 के अनुसार। एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इनके पूरा दे रखा है, तो चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट जो दे रखा है आपको 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन में अगर आप लेते हैं तब, ठीक है। फीस आपका आपका मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें, यहाँ पे फीस के बारे में बात करें, फिजिकल डिसेबल है, SC/ST है, और आपका बैकवर्ड क्लास से है, इकोनॉमी सेक्टर है, ठीक है। 350 रुपये फीस रहेगी, ठीक है, और आपके बैंक चार्जेस रहेंगे यूजर है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 700 रुपये यहाँ पे फीस रहेगी, और आपका यहाँ पे जो चार्ज है बैंक का वो रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका देखिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या कैश ऑफलाइन चालान भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस माध्यम से करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी आपकी कॉपी रहेगी, उसको आपको संभाल के रखना है आपकी जो चालान की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एलिमिनेशन टेस्ट आपका 100 नंबर का, और मेन रिटन एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा। यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है, एलिमिनेशन टेस्ट का आपका MCQ भेज देगा, 100 क्वेश्चन, 100 आप एक नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.3 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका जो रहेगा, आप लैंग्वेज क्वेश्चन इंग्लिश ऑनली, हाउएवर आपके 25 क्वेश्चन विल बी गुजराती से आएंगे, ठीक है। सेक्शन गुजराती लैंग्वेज रहेगा। ड्यूरेशन एलिमिनेशन टेस्ट सेल भी आपका 2 घंटे का रहेगा। सिलेबस एलिमिनेशन आपका टेस्ट का जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, ऑटोमेटिक, मैथमेटिक, एनालिटिक रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल लैंग्वेज, आपके गुजराती और आपकी रहेगी, और आपकी रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। तो ये रहेंगे, यहाँ पे इसको आपको देखने को मिल जाएगा। एलिमिनेशन टेस्ट आपका जो होगा अहमदाबाद या आपका कोई भी एनी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, प्लेस आपका डिसाइड बाई हाई कोर्ट आपके दोबारा होगा, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू आपका जैसे SC/ST, SC/BG इकोनॉमिक सेक्टर, फिजिकल डिसेबल है, यहाँ पे आपको सिक्योर करने हैं 45 मार्क, ठीक है। ऑल अदर कैंडिडेट 50 मार्क आपको लेके आने होंगे, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, मार्क ऑप्टेन बाई एलिमिनेटरी टेस्ट अब यहाँ पे आपको दे सकते हैं, नॉट बी कंसिडर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार नहीं की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो तैयार इसके बेस पे नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बात करें फ्रेंड, आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा, जिसका ड्यूरेशन 3 घंटे का, पार्ट ए पार्ट बी, जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज, ठीक है, 2 पार्ट होंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश रहेगा, आंसर क्वेश्चन मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी गिवन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं आपका आंसर विद रेस्पेक्टेड ट्रांसलेटर टू अदरवाइज रिक्वेस्ट गिवन इन गुजराती और शैल बी आपका इन वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट आपका अहमदाबाद या और इसके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वेट लिस्ट की बात करें, सेलेक्ट लिस्ट ऑफ वेट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क ऑप्टेन बाई कैंडिडेट मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट लिस्ट कैंडिडेट टू ऑप्टेन 40% मार्क एग्रीगेट इन मेन रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं वेट लिस्ट वुड बी आपका नॉट मोर देन 20% कैटेगरीज वाइज रहेगी, 20% से ज्यादा नहीं है। सेलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट यहाँ पे देखते हैं आपका पीरियड रहेगा 2 साल का, ठीक है। तो बाकी आपकी अन्य जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, किस तरीके से आपको करना है यहाँ पे इसके बारे में पता चल जाएगा, आपका फोटो का इन सब का साइज यहाँ पे आपको दे रखा है,
यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, आपकी आपकी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताया, तो उसकी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, जॉब एप्लीकेशन पर जाएंगे, अप्लाई नाउ पर जाएंगे हम, तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी डेप्यूटी आपका सेक्शन ऑफिसर की 2021-22। यहाँ पे तारीख देखने को मिल जाएगी, एंड डेट आ रही है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। डिटेल पे यहाँ पे आपको दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम यहाँ पे आपको देना है, मेल फीमेल है यहाँ पे जानकारी देनी बतानी है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे जानकारी, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड, विडो है, यहाँ पे जानकारी देनी है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताना है, जनरल है। ठीक है, अगर आपका कोई भी है जनरल इकोनॉमी सेक्टर है तो यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट नंबर, इकोनॉमी सर्टिफिकेट डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपका किस आपका स्टेट का है। ठीक है, इसी तरीके से आपको नॉन ओबीसी है तो इसको यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे इसके बाद ये जानकारी देने के बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको बताना है, जिस स्टेट के हैं उसी तरीके से यहाँ पे आप बताना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, होम टाउन, ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे बताना मदर टंग कौन सी है, ये यहाँ पे आपको कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद क्या फिजिकली डिसेबल्ड है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे बताना है, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे बताए, डीफ है, ऑर्थोपेडिक्स यहाँ पे बताना है। अगर इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इश्यू इंडिकेट नंबर, डेट यहाँ पे कब कराया था, यहाँ पे आपको बताना है, कैंडिडेट मस्ट पोसेस कंप्यूटर नॉलेज एज पर द एडवर्टाइजमेंट, यस यहाँ पे प्रोवाइडिंग आपका सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, आपका जो उसके डेट सर्टिफिकेट के बारे में बताना है, करंटली वर्किंग आपका सबॉर्डिनेट कोड एनी अदर यस या नो, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे बतानी हुई, क्या आप एक सर्विस में है, फॉर्म डेट कब से पोस्ट अपॉइंटमेंट हेल्ड का बताना है। ठीक है, इन सब के यहाँ पे दे सकते हैं, आपके जो भाषा जानते हैं गुजराती, रीड राइट, इन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्क आपके अंग्रेजी में आपके SSC या HSC में कितने आउट ऑफ इसमें बताना है। ठीक है, SSC की यहाँ पे परसेंटेज, क्लास आपका, बोर्ड नंबर ऑफ ट्रायल कितने बार पास होते हैं, मंथ और ईयर यहाँ पे कुछ इस तरीके से देना है, जैसे 2009 और 3 यानी मार्च हो गया, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज यहाँ पे आपको बताने, क्लास यहाँ पे बतानी है, डिस्टेंशन से फर्स्ट की सेकंड यहाँ पे चूज करना है, इसी तरीके नंबर ऑफ ट्रायल कितनी बार पास होते हैं, मंथ और ईयर यहाँ पे बताना है, सेम इसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, जिस ग्रेजुएशन से आपने किया है, परसेंटेज आपका, क्लास क्या था इसमें से आपको चुनना है, यूनिवर्सिटी का नाम, कितने ट्रायल में आपका मंथ और ईयर यहाँ पे जानकारी देनी है। यहाँ पे ऐड मोर आप एक से अधिक कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की इसी तरीके से जानकारी देंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे दे सकते हैं, एक्सपेंस आ रहा है आपने किस में करते, सबॉर्डिनेट में करते हैं, नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ आपको बताना है कब से कब तक, एम्प्लॉय ने कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पे पिन नंबर की जानकारी देनी है। एक से अधिक यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको SBI का PA करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको वेदर यू कन्विक्ट आपका कोर्ट या लो के बारे में है। ठीक है, उसके बारे में अगर है तो यस करें तो यहाँ पे जानकारी देनी होगी, हैव यू बीन परमानेंटली डिवॉर्डेड डिस्क्वालीफाई हाई कोर्ट यस या नो, वेदर यू एनी सिविल क्रिमिनल केस के यस या नो, यहाँ पे आपको करना है, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग वेयर इनिटेड आपका इंसिडेंट आपका पेंडिंग अगेंस्ट यू, यहाँ पे उसके बारे में कोई केस आपका डिपार्टमेंटिंग प्रोसीजिंग आपकी चल रही है उसके बारे में बताना है। इसके बारे में यहाँ पे आपको देखते हैं, कंसिडर एलिजिबल आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैप्चा इसको फिल कर देंगे, सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जानकारी है इसको आपको फिल करना है यहाँ पे फ्रेंड। ठीक है, जो कि आपकी वैकेंसी है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक, तो देखिए आपका एक्सेप्ट ऑनलाइन हो चुका है विद एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको ये आप एडिट या नहीं कर सकते आफ्टर सबमिट करने के बाद, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो एकदम आपने जो भरी होती है उसके अनुसार होती है। अगर उसके बाद आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, सो एप्लीकेशन प्रीव्यू पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक करा, अब उसके बाद चलेंगे हम फ्रेंड अपलोड फोटोग्राफ पे, कंफर्म एप्लीकेशन, प्रिंट आपका एप्लीकेशन और ये सब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अपलोड फोटोग्राफ पे जहाँ पे जाएंगे हम, तो फ्रेंड यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए कन्फर्म एप्लीकेशन पे जाएंगे। कन्फर्म एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दें, जैसे यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए बताया गया कि बार कन्फर्म हो जाने के बाद आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कन्फर्म से पहले यहाँ पे एडिट कर सकते हैं जो अपलोड, इसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ है उधर जाके आपको अपलोड फोटोग्राफ पे कर देना है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं,
जो हमारी वैकेंसी है उसके लिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है प्लीज जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।